पाकिस्तान में इन दिनों नवाज शरीफ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री की होड़ मची हुई है और अभी तक नए मुख्यमंत्री बने नहीं है कि उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर और तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रही है, लेकिन उनके ये ख्वाब पूरा होने से पहले ही उन्हीं की पार्टी की महिला नेता ने उनकी पोल खोल दी। जी हाँ, ये खुद उन्हीं की पार्टी की कबायदी क्षेत्र दक्षिण वजीरिस्तान से आने वाली एमएनए आयशा गुलाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने इमरान का पर्दाफाश कर दिया। आयशा ने इमरान खान के खिलाफ ऐसी बात बताई कि जिस पर लोगों का विश्वास करना भी मुश्किल है। इमरान खान भी ऐसी घिनौनी हरकत करते पकड़े जाएंगे इसका लोग अंदाजा भी लगा सकते थे। और बात इतनी बढ़ गई कि महिला ने पार्टी से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। इस महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान अश्लील मैसेज करते हैं, उन्होंने महिलाओं की इज्जत उछाल कर रख दी। यहां तक कि आयशा ने इमरान को शैतान बताते हुए कहा कि इनकी वजह से पार्टी का माहौल और खराब होता जा रहा है और इमरान केवल उन्हीं को ही नहीं ऐसे मैसेज करते हैं बल्कि और भी महिला नेताओं को अश्लील मैसेज भेजते हैं। उन्होंने बताया कि वो आज से नहीं काफी दिनों से इनकी ऐसी हरकतों को सह रही है। आयशा का कहना है कि इमरान द्वारा किए हुए मैसेज इतने अश्लील है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आयशा ने ये भी बताया कि इमरान मानसिक रूप से बीमार है इसलिए उनको किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। आयशा ने कहा कि इमरान पाकिस्तान को इंग्लैंड समझते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए उन्हें खानदानी आदमी बताया और इमरान को चरित्रहीन बताया। आयशा का कहना है कि नवाज भले ही भ्रष्ट नेता है लेकिन चरित्रहीन नहीं है। आपको बता दें कि इमरान को चरित्रहीन बताने वाला आयशा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जब कॉन्फ्रेंस में आयशा ने इस बात को बोला तो पार्टी ने उनकी बातों को बेबुनियाद करार दिया। इमरान के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने के बाद आयशा ने पार्टी की सदस्यता के साथ नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन आयशा ने एमएनए पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एमएनए पद नहीं छोड़ेंगी क्योंकि वो उनको आवाम ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस महिला नेता का लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सब बनाई हुई चाल है। कुछ दिन पहले तो इमरान से आयशा की अच्छे से बात हो रही थी, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि इमरान उन्हें अश्लील मैसेज भेजने लगते हैं। गौरतलब है कि पनामा लीक मामले में नवाज शरीफ का नाम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके बाद इमरान ने बाजी मारी और पार्टी चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में अगले साल चुनाव होने हैं और अगर ऐसा होता है तो इमरान ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।